ज्ञान से रोशन कर दे सारा हिंदुस्तान, सारा हिंदुस्तान। वीर शरदा अभिशाप है और साक्षरता वरदान। पिछली कड़ी में आपने देखा कि गौरी और विक्रम अपने निस्वार्थ प्रेम के रास्ते पर चोरी छिपे आगे बढ़ते जा रहे हैं। पार्वती लक्ष्मी को अपने मालिक के बारे में बताती है कि किस प्रकार अनपढ़ होने के बावजूद अथक मेहनत करके उन्होंने अपनी जिंदगी का रुख ही बदल दिया। पार्वती उनको प्रौढ़ शिक्षा का अर्थ भी समझाती है। विक्रम और गोविंदा भर्तू के शराब की लत को लेकर चिंतित हैं। उसी समय दीवार के पीछे मैनेजर गिरधर और उसके दोस्त की बातों को सुनते हैं तो पता लगता है कि गिरधर ना केवल बदमाश है बल्कि अपने मालिक के पैसों में हेरा फेरी भी करता है। लक्ष्मी अपनी बेटी गौरी के साथ एक बार फिर पार्वती और उसके पति से मिलती है। यहीं पर गौरी प्रीतम नामक एक सुंदर नौजवान से मिलती है। विक्रम और गोविंदा अपने मालिक से गिरधर की शिकायत करते हैं। पूरे टोले के सामने माधो काका गौरी और विक्रम की शादी की बात करते हैं तो लक्ष्मी उनका विरोध करते हुए कहती है, हमारी लड़की की शादी किसी पढ़े लिखे लड़की के साथ करेंगे? और अब देखें इसके आगे। अब तो बता का बात है? कुछ ना है। बड़ी परेशान नजर आ रही हो। का बताए पार्वती बहन, ये गौरी को लेके टोली वालों के संग हमारा झगड़ा हुई गवा। अब वहां हमारा दिल ना ही लागत है। हम सोचे थे जल्द से जल्द वो जगह छोड़ दे। ई बात कर ले तो इसमें परेशान होने की क्या बात है लक्ष्मी, कभी भी छोड़ सकत है। अब देख इन्होंने तुम्हारे काम की बात भी कर ली है। आपके पति के लिए जब गांधी सर से बात की तो कहने लगे कि गांव का है तो खेती बाड़ी तो जानता ही होगा, तो ऐसा करते हैं उसे माली रख लेते हैं, 3,000 रुपये तनख्वाह मिलेगी। वो आप लड़के के बारे में भी कुछ कह रहे थे ना? हाँ भाई, उसका क्या है, अगर आप चाहेंगे तो उसको भी किसी दुकान पर रखवा लेंगे, कुछ कमाने लगेगा वो भी। भला हो आपका, आज तो तेरे लिए सारी अच्छी अच्छी खबरें हैं। और एक अच्छी खबर सुनाओ, तू कहती थी ना गौरी की शादी किसी पढ़े लिखे लड़के से हो, तो हमने गौरी के खातिर एक लड़का भी ढूंढ रखा है। अरे ढूंढा का बल्कि वो खुद ही पीछे पड़ा है कि गौरी से उसकी शादी करा दूं। हमरे काना पर तो हमरा विश्वास ही नहीं होते। कहते हैं ना, भगवान जब दे थे तो छप्पर फाड़ कर दे थे। तुमने तो लड़के को देख भी रखा है। अरे उस दिन तुम माँ बेटियां नहीं हमारे घर आई थी तो एक लड़का नहीं आया था? हाँ, वो देखने में तो बहुत अच्छा लगत रहे। लड़का पढ़ा लिखा है, सेठ के यहाँ ड्राइवर है। उसने उस दिन गौरी को देखा तो मैं समझ गया उसके दिल की बात। मैंने सोचा कि गौरी से इसकी शादी करा देते, बस आप हाँ कर दीजिए। हाँ, अब हमका और का चाहिए। बहन तूने तो हमारी चिंता ही दूर कर दी, बहुत उपकार हो गए आप लोगों के। अच्छा, उपकार की बात करत है? देखो हाँ, बहन बहन के लिए कुछ करे तो उपकार होते, क्या बात कर रही है पगली। मोहन काका अभी तक जगे नहीं? अरे कहाँ चले गए लोग, कुछ समझ में नहीं आता। बिशन काका, ये लोग कहाँ चले गए? घर में कोई नहीं है क्या? अरे आदमी तो का एक सुई तक नहीं है। क्या कह रहा है, कहाँ जाएंगे किसी को बताए बिना, रात में कोई आठ भी नहीं हुई। एक काम कर, चल चलो काका के पास चलते। चलो काका। काका लक्ष्मी काकी अपने सारे परिवार और सामान के साथ कहीं बाहर चली गयी। झोपड़ा खाली पड़ा, वो तो कल रात ही अपना नाता सबसे तोड़ के चली गई है। गई सो गई, क्या किया जा सकता है। शहर गया था ना, तो
हमका तेरी बहुत याद आती थी। अरे हमका भी तेरी बहुत याद आवत है। अच्छा अच्छा एक बात बता, तू मेरे लिए शहर से क्या लेके आया है? तुम्हारे लिए? हाँ तुम्हारे लिए शहर से क्या लेके आया हूँ? तुम्हारे लिए लेके आया हूँ गुड़। क्या? हाँ झूठे कहीं के। अरे मुझसे तो कहा था कि ये लेके आऊंगा वो लेके आऊंगा। हाँ? अरे भला अपन गौरी का कहा हुआ वादा भूल सकत है? हाँ? ये देख ये हाँ? है चूड़ी। बड़ी सुंदर है रे, पहना दे। हमारी पहना दे? हाँ ला तनी हाथ दे। तो राधा तो ऊपर चली गई, हमार गौरी न जाने हमका छोड़ के कहाँ चली गई और निशानी के नाम पर ये दे गई टूटी हुई चूड़ी। गौरी अरे हम लोग सुबह का काम करके भी आ गए और तुम ऐसे ही बैठे हो। खाना बनाया? नहीं अम्मा। क्यों आज खाना नहीं खाना है का? नहीं। अरे तुम लोग ऐसे उदास क्यों हो? कुछ दिन यहाँ रहोगे तो अच्छा लगने लगेगा और फिर तो हर बापू को अच्छी नौकरी है, हमका भी काम है, कुछ दिन रवि भी काम करने लगेगा और फिर आज है ना तुमको देखने लड़के वाले आ रहे हैं। बहुत अच्छा लड़का है, अजी देखने से भी ऐसा लड़का नहीं मिलेगा। चलो चलो उठो उठो चलो नहा लो। चल बेटा चल चल नहा लो। मेरे राजा भूख से तेरी जान निकली जा रही तो क्या मेरी जान नहीं निकली जा रही? अरे तो तूने खाना काहे नहीं खाया? तू मुझसे बिना मिले बिना बताए गायब हो जाएगा और मैं बैठकर खाती रहूंगी? ये सब तुझे तब पता चलेगा जब तू मुझसे उतना ही प्यार करेगा जितना मैं तुझसे करती हूँ। मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ ये तुम्हें तब समझ में आएगा जब तुम ये तरह मुझे बिना बताए कहीं जाओगी। विक्रम मैं कहीं जाऊंगी ना तो तुझसे पूछ कर ही जाऊंगी। अम्मा हम ब्याह नहीं करेंगे। वो लड़का बहुत अच्छा है, पढ़ा लिखा है, तू उनके साथ ब्याह कर ले राजा। कह देते हम किसी और के संग ब्याह नहीं करेंगे। तुमका विक्रम पसंद नहीं है ना? ठीक है तो तू सुन ले, हम उसके संग ही ब्याह करेंगे। वो कलवे के साथ हम तेरा ब्याह नहीं कर देंगे। क्या करेगी? मेरे दिलवाएगी जबरदस्ती? हम समझ गए तू हमरा कहना नहीं मानेंगे, अपने ही जिद पे अड़ी रहेगी, अपने ही जिद पे। हम तुका ये नरक से निकालना चाहते हैं। हम लोगों की औरतें आधा पेट के खातिर रात दिन दुख और पीड़ा की आग में जलत हैं। बीमार हो गर्भवती हो एक दिन पहले बच्चों को जन्म दिया हो, कड़ाके की धूप हो मूसलाधार बारिश हो कड़ाके की सर्दी हो फिर भी इतने और पत्थर तोड़ते रहते हैं, सुबह शाम खाना बनाती है और रात को इन मर्दों के हाथों तोड़ी मरोड़ी जात है, क्योंकि ये हमारा भाग है, इनके साथ हमारा नसीब जुड़ा है ना। ये हमारा भाग है, सुख और आराम हमारी जिंदगी में नहीं। जीवन अच्छा कपड़ा अच्छा खाना कहाँ होता है ये हमका नहीं मालूम, नहीं मालूम। ठोकरे और गालियां हमका मालूम है, कदम कदम पर सहनी पड़ती है। मौका पाते ही ये मर्द लोग किसी मजबूर का कुवारापन उसकी पवित्रता लूट लेते हैं और खून का घूंट पीकर हमका चुप रहना पड़ता है। तुम चुप रहो जी, तुम चुप रहो, तुम चुप रहो। मेरी बात सुन, मेरी बात सुन लड़की, मेरी बात सुन। मत कर, तुम ही का समझा।
का पोस्ट आया तो ये ठुकरा दिया थे। तुम कह दो इसको एक सुखी हमारा सपना है। अगर ये पूरा नहीं हुआ तो हम लोगों को काम दिखाएंगे, हमारी बेइज्जती होगी, हम काम दिखाएंगे, हम काम दिखाएंगे, हम काम दिखाएंगे, हम कैसे जिएंगे, हम कैसे जिएंगे, हम कैसे जिएंगे। हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे, हम अकेले नहीं मरेंगे, हम तुमका सबका लेके मरेंगे, हम तुमका सबका लेके मरेंगे, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, मेरी बात सुन, लक्ष्मी मेरी बात सुन, लक्ष्मी मेरी बात सुन, लक्ष्मी मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, लक्ष्मी मेरी बात सुन, लेकिन जगह देख तू बेईमानी करता है, लेकिन गिरधर तो जगह भी नहीं रखता। जिस डाली पे बैठता है उसी को काट देता है, और जिस थाली में खाना खाता है वही छेद कर देता है। अरे क्या कह रहा है सर जी? बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं। आइए इंस्पेक्टर साहब। अरे सर जी मैं आपका नमक खाया हूँ। तुम्हारी तलाश थी, स्वागत करवा देता हूँ। चलो हम तुमका स्वागत कर दे। चल चल। अरे काहे चलो भाई, चलो थाना, चलो थाना तुम। अरे काहे चलो भैया, छोड़ो। मगर कुछ तो कुछ सुना काका? क्या? अरे गिरधर रात गिरफ्तार हो गया। कैसे? अरे बिल्डर का सीमेंट और लोहा चोरी करके बेच रहा था। अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ बेटा। राम करे उस मुए को फांसी होनी चाहिए। मैं बोलता हूँ काकी, गरीबों की आय असर दिखाई बिना नहीं रहती। बताइए क्या कुछ नहीं किया मैंने उसके लिए? उसे पैसे दिए, रहने के लिए फ्लैट दिया,
और वही आदमी आस्तीन का सांप निकला। तुम लोगों को 250 रुपये मिलना चाहिए, उसकी बजाय 100 रुपये दिए उसने, फिर भी तुम लोगों ने मेरा बहुत बड़ा नुकसान होने से बचाया। मैं तुम लोगों की हिम्मत, बहादुरी और वफादारी की दाद दूंगा। बताइए मैं तुम लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ? हम आप ही का दिया खाते हैं सेठ जी, हम लोगों का इतना मान और सम्मान दिए हैं, इतना ही हम लोगों के लिए काफी है। बस एक उपकार कर दें तो हम सभी लोग आपके जीवन भर गुलाम रहेंगे। कुछ मालूम तो पड़े, करना क्या है? हम लोगों के संग बहुत अन्याय हुआ है सेठ जी, हम सभी का दिल चीर कर रख दिया है। बस आप ही हो जो हम लोगों का न्याय दिला सकत हो। हम लोगों के पास ना तो दिमाग है, ना पैसा है, ना कुछ। अब आप ही हो मालिक। हम अगर कुछ कर सकते हैं आप लोगों के लिए तो बताओ, किसने क्या अन्याय किया आप लोगों के साथ? मालिक वो अन्याय करे वाला वो गिरधर है। गिरधर? आपका नहीं मालूम है मालिक? कुछ रोज पहले राधा और गोविंद का ब्याह हो ही रह रहा है और वो ऊपर से गिर कर मर गई। उसकी मौत का जिम्मेदार गिरधर है। वो कैसे? कहा बताए मालिक, गोविंद और राधा का ब्याह हो ही रहा है, उस रात वो गिरधर वहां आवा रहा है। ऊपर से गिर के मर गई। लेकिन उसने तो मुझे कुछ और ही कहानी सुनाई थी, यानी कि अपनी पोजीशन बचाने के लिए एक नई कहानी बना के सुनाई मुझे। खैर बहरहाल, वो तुम लोगों को बेवकूफ बना सकता है, मुझे और कानून को नहीं। मैं अपने एडवोकेट से बात करूंगा और उसे उम्र कैद तो जरूर दिलाऊंगा, चक्की तो जरूर पिसवाऊंगा मैं। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी सरकार। माधव काका ये बात सुनिए तो बड़े खुश हुई है। कहा सर? शांति सेठ के पास से। वो हमसे बहुत खुश हैं। हाँ काका, हमने राधा का मामला सेठ को बतिया ही दिया। हम कह दिया कि उसकी मौत के जिम्मेदार वो ससुरा गिरधर है। फिर क्या कहा? उन्होंने कहा फांसी नहीं लगवाई तो उम्र भर चक्की पिसवाई है उससे, मुकदमा चलेगा उसके ऊपर। हम पहले ही कहते थे भगवान उस निर्दोष की हत्या का उसको सजा जरूर देगा। उसे तो फांसी की सजा होनी चाहिए। भगवान ही तय करेगा कि उसके पाप की क्या सजा मिलनी चाहिए। चलो काम पे चलो। गोविंद, हम तू का ही अपने साथ रखता हूँ कि बातन बातन में मन लगा रहा था, और जब भी अकेला होता हूँ तो सिर्फ गौरी गौरी और गौरी। गौरी तो का छोड़ के चली गई विक्रम, अब तुम्हार का भी हमार तरह मन में हिम्मत धरी के लो। हाँ। आती रहे ना, अब घर तो पता चल गया। अब हम कहाँ जाए, चोर ऐसी हमारा है कौन? गौरी की जात को कम करना होगा। कैसन करें यार, जब पास में रहा है तो कौनो बात नहीं रहा, अब ये दूर चली गई है तो उसकी बहुत याद सतावत है। अब तो परेशानी और घबराहट बढ़ती जाती। हमारे बेटे के लिए भी कुछ देखा? हाँ, अगले महीने बता देते ना, सेठ ने बोला था। अच्छा। ये जो अभी गई हैं आप, इनका जाना था? अरे वो तो हमारा बचपन की सहेली है लक्ष्मी, पर तुम कौन हो? जी हमारा नाम विक्रम है, पहले ये लोग हमारे साथ ही रहत रहे। मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ बेटे, गौरी हमेशा मुझे तुम्हारे बारे में बताती रही। कैसे हैं वो लोग? बहुत मजे में हैं। उन लोगों ने तो मजदूरी छोड़ दी है बेटा, लक्ष्मी तो एक सेठ के घर काम कर रही है 2000 पगार में, और मोहन भैया भी उसी सेठ के यहाँ माली का काम कर रहे हैं, 3000 रुपये पगार मिला था उन्हें। और रवि बिटवा है ना, वो अगले महीने से एक दुकान में काम करेगा, हेल्पर का। और गौरी, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, आप उनका पता देंगी? गौरी का पता देना हो तो उसके ससुराल का ही पता देना पड़ेगा बेटवा। ससुराल?
गौरी की शादी हुई है। अच्छा, तो उसने शादी भी कर ली? वो तो शादी नहीं करना चाहता, पर उसकी माँ ने उसे जबरदस्ती उसकी शादी एक अच्छे लड़के से करा दी। वैसे उसकी किस्मत भी अच्छी है, लड़का बहुत पढ़ा लिखा है, सुंदर है, एक सेठ के यहाँ ड्राइवर का काम करत है, उसका पगार भी बहुत अच्छा है। बहुत चाहत है गौरी को, खूब घुमात फिरात है, बहुत प्यार करत है। अब गौरी भी बहुत खुश है उसके यहाँ। मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, हमारा अच्छा काम भी नहीं, हम उनका इतना सुख नहीं दे सकते रहे। बहन जी, आप हमका उनका पता मत देना, मत देना उनका पता, भगवान उसका खुश रखे। मैं चलता हूं। प्रीतम छोड़ो, कोई आ जाएगा। गौरी तुम बहुत खूबसूरत हो। छोड़ो ना, देखो बेशरम हो तुम बहुत। बेशरम वाली बात क्या है इसमें? तो अम्मा आ गई तो? माँ आ गई तो क्या होगा? नहीं छोड़ो मुझे, देखो बापू आ जाएंगे। बापू को आने दो। छोड़ो, हमें फिल्म देखने जाना है ना। आ जाना है। चलो थोड़ी देर बाद। नहीं चलो, चलो। माँ हम लोग फिल्म देखने जा रहे हैं, वो रात का खाना भी हम लोग बाहर ही खाएंगे। राम राम। आज मेरी कैसी याद आई? ये लो कर लो बात, हम तो भूले ही कहां थे मासी। पर पहले ये बता, दोनों बड़े सज धज के गए हैं। कहां गए हैं? माल निकाल, चल चल मंगल से निकाल निकाल चल निकाल निकाल। ओए चोर पकड़ो, चोर चोर पकड़ो, मारो से पकड़ो। जय धर भागवत सर। कैसे शुक्रिया अदा करूं मैं तेरा भाई, तूने मेरी जान बचाकर चंद दिन ब्याही मासूम लड़की की जीवन भर की खुशियों को मिटने से बचा लिया। वो अकेली खड़ी मेरी राह देख रही होगी, मुझे जाना चाहिए। ये मेरे सेठ जी का कार्ड है, कल सुबह 7 बजे तुम मुझे आकर यहाँ मिलो। देखो मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, कल सुबह 7 बजे तुम जरूर आकर मुझसे मिलना। मैं जरूर आऊंगा, तुम्हें मेरी कसम। आऊंगा आऊंगा। ठीक है मैं चलता हूँ। गौरी तुम ठीक तो हो ना? मैं तो ठीक हूँ, पर ये क्या हाल हो गया है? वो चोर तो मुझे मार ही डालता, भला उस नेक इंसान का न जान न पहचान। तेरे मंगलसूत्र को और तेरे सुहाग को दोनों को बचा लिया। कहाँ है वो? मैं भी उसके पैर छू के एहसान मानती हूँ। देख मुझे तेरी चिंता थी, मैंने उसे सेठ जी का कार्ड दिया है, कल वो सुबह आकर मुझसे मिलेगा। पर अपना पता क्यों नहीं दिया? देखो मैं उसे कल सुबह घर ले आऊंगा। ठीक है अभी हम चलते हैं। ठीक है
अच्छा मैं चलता हूँ। रुको, मेरी बीवी तुम्हारा बहुत एहसान मान रही थी, वो चाहती कि तुम घर आओ, भोजन करो, वो तुम्हारा धन्यवाद करना चाहती। अरे इतनी खातिरदारी कर दी कि धन्यवाद के लिए पेट में जगह ही नहीं है भाई, आऊंगा किसी शुभ मौके पर। वैसे तुमने अपना दोस्त भाई मान ही लिया है, चलता हूँ। और भाई विक्रम, तूने तो मेरे लिए बहुत कुछ कर दिया, अब मुझे भी कुछ करने का मौका दो। बस अपनी तरह ड्राइवर बना दो। ड्राइवर क्या, मैं तुम्हें ड्राइवर का कान मरोड़ने वाला बनवा देता हूँ। वो कैसे? वो ऐसे कि ट्रैफिक कांस्टेबल्स की वॉन्ट्स निकली है, ट्रैफिक पुलिस में अपनी थोड़ी बहुत जान पहचान है, मैं तुम्हें कांस्टेबल बनवा देता हूँ। वो जो सफेद वर्दी पहन के चौराहे पे खड़े रहा था। बिल्कुल भाई, भाई भाई गाड़ी आती है जाती है उका रोकत है। बिल्कुल भाई। अरे भैया तब तो बड़ा मजा आ जाएगा। ठीक है, मैं कल फॉर्म मंगवा लेता हूँ। ठीक है, अच्छा मैं चलता हूँ। अरे फिर तो तुम हमारे साहब बन जाओगे। हाँ साहिब। ये रहा तुम्हारा फॉर्म, अब हम इसे फिल करते हैं। ठीक है, नेम, फादर्स नेम, क्वालिफिकेशन। यू का होते? अरे भाई पढ़े लिखे कितना हो? पढ़ा लिखा तो बिल्कुल नहीं, बस अंगूठा लगा देता हूं। फिर तो अंधेरा ही अंधेरा है, कुछ नहीं हो सकता। तो वो रोज जो तुम कह रहे रहो, वो नौकरी नहीं मिल सकते? कैसे मिलेगी, अनपढ़ होने पे तो बिल्कुल नहीं मिल सकती नौकरी, उसके लिए पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। खैर मैं चलता हूं, मुझे लेट हो रहा है, तुम चलोगे मेरे साथ? नहीं। एनीवे फिर मुलाकात होगी। ओके बने।